गाइस, शॉमी की मी 11 सीरीज और आईक्यू 7 सीरीज लॉन्च होने के बाद में रियलमी भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है कि वो भी अपना एक फ्लैगशिप फोन जो है लॉन्च करने वाला है। आज हैशटैग मास्क माधव आया था और उसके अंदर जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि हम जो है यहाँ पे 4 मई को एक लॉन्च इवेंट करने वाले हैं, जहाँ पर जो है डायमंड सिटी 1200 के साथ में जो है हम एक फोन लॉन्च करेंगे और वो एक हमारा फ्लैगशिप फोन होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे मिस्टर माधव सेठ ने अनाउंस कर दिया है और उसके कुछ ही देर पहले ट्विटर पे जो है गैजेट्स डेटा ने यहाँ पे ये अनाउंस किया था, मतलब यहाँ पे जो है मेंशन किया था कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि यहाँ पे रियलमी X7 मैक्स जो है इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। और उसका आंसर है कि 4 मई को रियलमी X7 मैक्स जो है इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। गाइस, बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। बेसिकली गाइस, डायमंड 1200 चिपसेट वाला फोन आएगा और ये एक फ्लैगशिप चिपसेट होने वाला है। गाइस, इसका मतलब है कि इसका जो प्राइस होगा ना रियलमी की तरफ से 28, 29 या फिर जो है 30,000 रुपीज तक का इसका प्राइस हो सकता है। लेकिन ये फोन जो है रियलमी GT नियो का जो है एक रीब्रांड वर्जन जो है होने वाला है। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो आपको जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि है रियलमी GT नियो का, और वही जो डिजाइन है ना रियलमी X7 मैक्स का होगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में एंड डिजाइन के बारे में। तो ये है रियलमी का X7 मैक्स जो कि है 6.43 इंच के डिस्प्ले के साथ में पंच होल स्क्रीन, जो कि सेम वही डिजाइन है एंड लेकिन यहाँ पे 120 हर्ट्ज के साथ में जो है सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और गाइज, इसके अलावा बात करते हैं इस फोन के बैक डिजाइन के बारे में, तो आपको जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा रियलमी X7 मैक्स का। यहाँ पे जो रियलमी की ब्रांडिंग है ना वो थोड़ी सी और सी लग रही है, यहाँ पे डेयर टू लिव लिखा हुआ भी और सा लगता है और इस टाइप का जो है यहाँ पे छोटी सी Realme की ब्रांडिंग और साथ में जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप का वो भी जो है थोड़ा बहुत ऑड सा लग रहा है। जो एक नॉर्मल ब्रांडिंग करो जो सभी फोन में आप करते हैं उस टाइप की ब्रांडिंग जो है ऑसम लगती है और एक अच्छी लगती है, ब्रांड लुक देता है, लेकिन यहाँ पर इस टाइप की जो ब्रांडिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख लगती है। शायद हो सकता है कि रियलमी GT न्यू की ब्रांडिंग अकॉर्डिंग हो या फिर जो है रियलमी X7 जो मैक्स लॉन्च होगा उसके अंदर जो है अलग से ब्रांडिंग हो तो शायद और भी अच्छी बात हो जाएगी। गाइस, बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फोन में यूज किया जाएगा डायमंड 1200 चिपसेट जो कि इंडिया का पहला चिपसेट होगा। परफॉर्मेंस हम जो है जरूर से चेक करके आपको बता देंगे कि कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा हमारे पास फोन जो है अवेलेबल होगा। लेकिन यहां पे जो है चाइना में जो लॉन्च हुआ था उसका जो अगर यहां पे बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं तो कुछ आपको इस टाइप का जो है बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है डायमंड 1200 का। गाइस, अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पे ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है यूज किया जाएगा क्योंकि मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल के साथ में। जहां पर सेंसर यूज होगा वो है सोनी IMX682 एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज कैप्चर करने के लिए एंड 2 MP का जो है मैक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो वही होगा पंच होल स्क्रीन के अंदर जो कि है 16 मेगापिक्सल के साथ में। गाइस, अगर बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो रियलमी GT नियो और यहां पे अगर बात करते हैं रियलमी X7 मैक्स की अगर बैटरी की बात करते हैं तो वही सेम बैटरी होगी जो कि है 4500 mAh की बैटरी एंड इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो यहां पे चार्जर इनबॉक्स में आपको मिलेगा वो होगा 50 वॉट का चार्जर। और गाइस, अगर बात करते हैं वेरियंट के बारे में, तो यहां पे 6 GB रैम एंड 8 GB रैम आपको जो है दोनों ही वेरियंट देखने को मिलेंगे रियलमी X7 मैक्स के अंदर। और गाइस, इसके अलावा बात करते हैं इस फोन के UI के बारे में, Android 11 जो कि लेटेस्ट वर्जन है और इसके अलावा जो है Realme UI 2.0 के साथ में कुछ है ये फोन देखने को मिलेगा। एंड अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, तो एक बेस्ट ऑप्शन आपको जो है Realme तरफ से मिलेगा जो कि है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। तो गाइस, ये था एक पूरा पैकेज जो कि 4 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट जो है लगभग 28 से 29 हज़ार रुपये का हो सकता है क्योंकि एक फ्लैगशिप चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है डायमंड 1200। गाइस, एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि Xiaomi Mi 11X और जो है IQ 7 सीरीज को जो है ये फोन टक्कर देने वाला है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना आपको क्या मानना है इस यहां पे रियलमी X7 मैक्स के बारे में या फिर जो है बोल सकते हैं रियलमी GT नियो का रीब्रांड वर्जन के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।